नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश और स्वागत है आप सभी का ऐसा जम्मू ब्लॉग्स के एक और नए फ्रेश वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आप अगर जम्मू से हैं, जम्मू में अगर टाटा की किसी भी गाड़ी की रिकॉर्डिंग कोई भी करिए तो आप फेयरडील टाटा मोटर कुंजमानी बाईपास में विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे स्क्रीन पे आपको उनके एग्जीक्यूटिव के नंबर जैसे पंकज जी और सुखी जी का नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। कोई भी कोरी है आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, तंग कर सकते हो और अपनी जो भी आपकी कोरी है उसे शॉर्ट आउट कर सकते हो। पर आज हमारे सामने खड़ी है टाटा नेक्सन का काजीरंगा एडिशन। और क्या कुछ चेंजेस, नॉर्मल जो नेक्सन आती है उससे काजीरंगा एडिशन में, तो वो चीजें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बाकी फ्रंट से आप इस गाड़ी का लुक देख सकते हो। बाकी ये कलर मैं बताता हूँ, ये मिट्टी और ब्रॉन्ज जो कलर है ये टाटा इसको बोलता है, जो कि अलग से काजीरंगा एडिशन में आ रहा है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल वेरिएंट्स आते हैं टाटा नेक्सन के, वहाँ पे आपको क्रोम की एक फिनिश मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको एज सच एक पियानो ब्लैक फिनिश में प्लेट मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो एक्सजेड प्लस, क्योंकि काजीरंगा एडिशन जो ये वाला है ये एक्सजेड प्लस पे बेस्ड है, सो यहाँ पे ना एक्सजेड प्लस वेरियंट में आपको जो होंगे वो सिल्वर एक्सेंट में थोड़े ट्राई एरो डिजाइन मिलता है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में आपको आई होप अगर कैमरे से आपको जस्टिफाई हो रहा है तो वो आपको दिख जाएंगे। अब बात करें फोक लैम्प्स की, फोक लैम्प्स तो एटलीस्ट सेम है। जो टॉप ऑफ द लाइन नॉर्मल वेरियंट आता है ना वहाँ पे आपको सिल्वर में मिलते हैं, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ये मिल रहे हैं। सो यहाँ से आप इस गाड़ी के फ्रंट लुक्स भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी ऑल्दो गाड़ी फ्रंट से बिल्कुल सेम है। अब बढ़ते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। अगर डायमेंशन की बात करें तो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस लेंथ वाइज विड्थ वाइज गाड़ी जो नॉर्मल एडिशन जो नेक्सन का आता है डायमेंशन में बिल्कुल सेम रहने वाला है, तो उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। जो हाईलाइटेड फीचर है वो हम करेंगे। चूंकि ये गाड़ी जो है काजीरंगा एडिशन पे है, तो मैं आपको बता देता हूँ काजीरंगा जो है नेशनल पार्क है असम में है, असम स्टेट में, विच इज फेमस फॉर इस वन हॉर्न राइनो, मतलब एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये एडिशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस गाड़ी का एक सिंह वाले गैंडे का यहाँ पे वेजिंग आपको मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं अलॉय व्हील्स की तरफ। तो अलॉय व्हील्स आप देख सकते हो इस गाड़ी में कुछ इस तरह से मिल जाएंगे, ड्यूल कट डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। बट जो नॉर्मल वेरियंट आते हैं ना वहाँ पे आपको ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे शाइनी क्रोम में ये एक्सेंट्स मिलते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे डल क्रोम में आपको मिलेंगे। बाकी यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का टच दे रखा है। साइड पे आपको दिख रहा होगा दूसरा जो व्हील जो नॉर्मल वेरिएंट में आता है तो वो कितना शाइनी यहाँ लगता है, तो यहाँ पे डल मैं इसको बोलूंगा डल क्रोम फिनिश में ही आपको मिलेगा। बाकी टाटा मोटर्स इन अलॉय व्हील्स को बोलता है जेट ब्लैक डायमंड कट अलॉय व्हील्स, तो ये भी देख सकते हो। और यहाँ से कुछ गाड़ी के साइड प्रोफाइल के आप लुक्स चेकआउट कर सकते हो। बाकी गाड़ी ऑल दो साइड प्रोफाइल से बिल्कुल सेम है। यहाँ पे नॉर्मल वेरियंट्स में आपको ग्रे कलर की पट्टी मिल जाती थी, बट यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश में इस बार जो होगी ये चीज मिल जाएगी आपको। एंड ये कुछ रियर का बिल। अब बढ़ते हैं इस गाड़ी के रूफ की तरफ। तो रूफ में आप ये रूफ रेल्स देख सकते हो, सनरूफ भी देख सकते हो, शार्क फिन एंटीना भी चेकआउट कर सकते हो। अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें सो यहाँ से आप इस गाड़ी के रेयर प्रोफाइल के लुक्स चेकआउट कर सकते हो। मैं वो व्हील की जो बात कर रहा था ना वो आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से शाइनी व्हील मिलता था आपको, मतलब ड्यूल कट डायमंड के कट में जो यहाँ से कट्स आएंगे इसके तो वो काफी लाइट क्रोम में मिलते थे, तो दूर से नजर आते, तो यहाँ पे आपको थोड़ा गौर फरमाना पड़ेगा। सो ये चीज है यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंस है। बाकी रेयर प्रोफाइल पे चलते हैं। सो यहाँ से आप इस गाड़ी का रेयर प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्सन की वेजिंग मिलेगी बैट ब्लैक फिनिश में, और बाकी ऐसा सच कोई चेंजेस नहीं है। रिफ्लेक्टर के किनारे यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश की टच मिल जाएंगे, दो पार्किंग सेंसर, कैमरा वगैरह मिल जाएगा, वाइपर वाशर डिफॉगर की फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड ये कुछ स्पॉइलर विद हाई स्टॉप लैंप। सो ये कुछ इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल है। सो दोस्तों इस टाइम की अब टाटा नेक्सन के काजीरंगा एडिशन के इंटीरियर में चला जाए और इंटीरियर में फाइंड आउट करते हैं क्या क्या कुछ चेंजेस करिए टाटा ने। सबसे पहले की आप देख सकते हो, दोनों के दोनों आपको जो होंगे स्मार्ट की मिल जाएंगी, इसके अलावा मैनुअल कीज भी रहेंगी। रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन दे रखा है यहाँ पे, किसी भी तरह का क्रोम का कोई टच नहीं मिलेगा आपको। और बाकी विंडो पैनल आप चेकआउट कर सकते हो, सेम रहेगा। रिफ्लेक्टर्स यहाँ देख सकते हैं आप। मेन जो हाईलाइट है मैं वही आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे आपको इस बार फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी। भाई साहब टाटा से और क्या चाहते हैं आप लोग ये मुझे जरूर बताएं। नेक्सन में ही आपको जो होगी वेंटिलेटर सीट्स आपसे मिल जाएंगी। जो लोग पहले हुंडई की तरफ शिफ्ट होते थे वेंटिलेटर सीट्स के लिए, तो आप नेक्सन पे जा सकते हैं। बाकी यहाँ से पैडल्स का लेआउट, सीट्स जो होंगी वो दो कलर्स के कॉम्बिनेशन में है एज लाइक अ पंच। यहाँ पे जो होगा लाइट ब्राउन कलर देख सकते हो, ब्लैक कलर में आपको ये मिल जाएगा। बाकी स्टेयरिंग मोटे कंट्रोल सेम रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बाकी तो ऑल दो बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे ये जो पार्ट जो होगा ये डार्क वुडन फिनिश में आपको मिल जाएगा। बाकी ये कुछ सेंटर का लेआउट आप देख सकते हो काजीरंगा एडिशन का। सो
बाकी ज्यादा कुछ चेंजेस तो है नहीं, मेन जो चेंजेस थी वो मैंने आपको बता दी, दैट इज कि ये जो सीट्स होंगी ये वेंटिलेटर सीट्स मिलेंगी आपको। वेंटिलेटर सीट्स मतलब एसी के वेंट इन सीट्स में भी रहेंगे, और जब गर्मियों में आपकी जो जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी बैग जो है काफी स्वेटिंग से काफी गिली हो जाते, तो वो चीज आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगी। आपको जो है स्विच दे रखा है काजीरंगा एडिशन में, जो वेंटिलेटर सीट्स आ रही है नेक्सन में, सो ये भी आप चीज यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे रियर की सीट्स का लेआउट दे सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज इस वेरिएंट में यह है कि रियर के हेडरेस्ट भी आपको डीएसएल साइड पे मिल जाएंगे, अगी सनरूफ भी मिल जाएगा। सो ये आपने कुछ गाड़ी का इंटीरियर देख लिया, और ज्यादा कुछ इसमें और कुछ दिखाने की है नहीं, बाकी तो ऑल्दो बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल सेम ही है। और सो दोस्तों ये था काजीरंगा एडिशन का एक वॉक राउंड, और यहाँ से आप फॉलो मी हडलम का भी ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी आई होप आपको वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे, रेट्स आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एंड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हो किसी भी गाड़ी के रिगार्डिंग। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। एंड स्पेशली रिक्वेस्ट टू ऑल द जम्मू पीपल की सपोर्ट करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।